प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना माता हीराबानी अवसान ने पगले दुनियाभर में आवी रही है शोकांजलि। दुनिया ना तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों मोकल्या शोक संदेश। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्यक्त कर्यु दुख। जापान अने नेपाळना प्रधानमंत्री सहित विश्वना अनेक नेताओं पण व्यक्त कर्यु दुख। तमाम देशोंना दूतावासोए पण शोक व्यक्त कर्यो। केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज केन्द्रीय गुप्तचर संस्था की आधारशिला राखवानी साथे आईटीबीपी निवासी और बिननिवासी परिसर करशे उद्घाटन। अमित शाह बेंगलुरु में सौहार्दा कोओपरेटिव लेशे मुलाकात। यूरोपीय देशों प्रवासना बीजा तबक्का में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय और आंतरराष्ट्रीय बाबतना मंत्री एलेक्जांडर शॉलेनबर्ग साथे करशे मुलाकात। छेल्ला 27 वर्षों में कोई भारतीय विदेश मंत्री नी छे आ प्रथम ऑस्ट्रिया यात्रा। सरकारे पहली जान्युआरी 2023 थी शुरू थनारा चालू नाणाकीय वर्षना चौथा तबक्का में विविध नानी बचत योजनाना व्याज दरों में कर्यो वधारो। जो कि पीएफ सुकन्या समृद्धि और बचत जमा योजनाना व्याज दर रहा यथावत। उत्तर भारतना अनेक विस्तारों में पवन साथे फरीथी ठंडीनो राउंड थशे शुरू। मौसम विभागे कह्युं पहली अने बीजी जान्युआरी थी वधु ठंडी पड़वानी संभावना। कार अकस्मात में इजाग्रस्त ऋषभ पंत हवे जोखम थी बहार। देहरादूननी हॉस्पिटल में चाली रही छे सारवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए ऋषभ पंतना माता साथे फोन पर बात करीने पंतनी परिस्थितिनी मेळवी जानकारी। तो बीसीसीआईए तमाम प्रकारनी मदद माटे आपी खातरी। नवसारीना वेसमा नजीक अकस्मातनी गोजारी घटना। कार डिवाइडर कूदीने बस साथे अथड़ाता 9 लोकोना मृत्यु। 28 इजाग्रस्तों ने सारवार अर्थे नवसारी अने वलसाड खाते खसेड़ाया। तमाम मृतक युवानों खानगी फार्मा कंपनी ना कर्मचारियों। वर्ष 2022 नो आज अंतिम दिवस। अनेक यादों साथे विदाय थई रह्युं छे 2022 नुं वर्ष। नवा वर्षनी उजवणी माटे दुनियाभर में करवामां आवी रही छे तैयारीओ।